सब्सक्राइब कीजिए गवर्नमेंट एम्प्लॉयज न्यूज़ चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हर खबर सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गवर्नमेंट एम्प्लॉय न्यूज यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, केंद्रीय कर्मचारियों के संगठन कॉन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स ने 10 जून 2018 को एक दिन की देशव्यापी हड़ताल करने की घोषणा की है। जी हाँ दोस्तों, जो प्रेसिडेंट हैं के एन कुट्टी ने एक आज लेटर जारी किया था, ये 19 मई 2018 को, और इसमें इन्होंने सभी जो कर्मचारी संगठन यूनियन है उनको एड्रेस किया है और उनसे रिक्वेस्ट किया है। तो इसमें जो सबसे प्रमुख मांगे हैं वो मांगे इस प्रकार हैं। सबसे पहली मांग है कि जो एनपीएस स्कीम है, क्योंकि 2003 के बाद में जो भी कर्मचारी सरकारी नौकरी ज्वाइन किए हैं उनको एनपीएस में कवर किया गया है, तो इनकी डिमांड है कि एनपीएस को ख़त्म किया जाए और उन्हें भी पहले वाले जो कर्मचारी हैं उनकी तरह पुराने पेंशन का लाभ दिया जाए। और दूसरी जो मांग ये है कि जो मिनिमम पे और फिटमेंट फैक्टर में बढ़ोतरी का आश्वासन दिया गया था मंत्रीजियों के द्वारा, लेकिन सरकार ने अभी तक उसको सार्थक नहीं किया है, और सभी जो केंद्रीय कर्मचारी संगठन है उन्होंने समय समय पर इस डिमांड को रखा गया था कि जो मंत्रियों के द्वारा दिए गए आश्वासन को सरकार अब लागू करे, और इसके बारे में मीडिया में भी काफ़ी समय समय पर खबर चलती रही है। तो ये एक प्रमुख मांग है, जो न्यूनतम वेतन बढ़ोतरी यानी 21,000 रुपये करने की जो मांग है वो, और एक फिटमेंट फैक्टर में बढ़ोतरी की मांग। और तीसरी जो मांग है कि जो 10 पॉइंट्स चार्टर जो डिमांड है सभी कर्मचारी संगठनों की या कर्मचारियों की, उनको जल्दी से जल्दी सेटलमेंट करने के बारे में ये हड़ताल की जा रही है। तो इसमें उन्होंने अधिक से अधिक जो कर्मचारी संगठन है और केंद्रीय कर्मचारी हैं उनको इसमें शामिल होने की डिमांड की है। उम्मीद हम कर सकते हैं कि जो हड़ताल है वो सफल रहेगी और सरकार पर कुछ असर होगा, और सभी जो कर्मचारी हैं केंद्रीय कर्मचारी पेंशनर्स हैं उन्हें कुछ अच्छी खबर मिलेगी 10 जून 2018 को हड़ताल होने के बाद में। तो ये एक लेटेस्ट अपडेट है कि एनपीएस को ख़त्म करने के लिए और न्यूनतम सैलरी और फिटमेंट फैक्टर में बढ़ोतरी के लिए 10 जून 2018 को एक दिन की देशव्यापी हड़ताल करने का आयोजन करने का आश्वासन दिया गया है कॉन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स के द्वारा। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत